नमस्कार सत श्री अकाल, यू वॉचिंग 1768। मैं हूँ आपका दानिश शर्मा और आज तारीख है 10 नवंबर 2021। और ये बंदा जो है ना, इसने मुझे बड़ा दुखी कर दिया है। जब मेरे पास होगा तो मम्मा मम्मा, जब मम्मा के पास होगा तो पापा पापा। क्या चाहिए? नहीं, आपको चाहिए क्या ये बताओ। अब मेरे को चुराता है नाक नाक। क्या चाहिए? नहीं, आप ये बोलो, आपको चाहिए क्या? क्या नहीं, आपको चाहिए क्या ये तो बताओ। आप बताते नहीं किसी को यार, क्या चाहिए क्या नहीं, बताओ तो सही। आप मम्मा, इसको मम्मा चाहिए भाई, मम्मा चाहिए इसको। और इसकी मम्मा भी आ रहे हैं। मम्मा चाहिए? हाँ। तो मम्मा चाहिए तो मम्मा से क्या करोगे आप? दादा, नहीं, क्या करोगे दादा, मम्मा के साथ? मम्मा आएंगे तो क्या करोगे? दादा। अच्छा, चूचा चूचा, मतलब ये बोल रहा है जो इसकी मम्मा और जो गेम खेलते हैं ना आपस में, तो मौर्य छुप जाता है और इसकी मम्मी जो है ना, मतलब मौर्य ऐसे कर लेता है, फिर भी अपनी मम्मी को ना ऐसे मुड़ के देखता रहता है कि मम्मी मेरे को, मैं मम्मी को देख लूंगा। तो ये क्या खेलते हो आप मम्मी के साथ? दादा, नहीं, मम्मा के साथ क्या खेलते हो आप? चौथा। चौचा। तो इसकी मम्मा छुप जाते हैं और ये मम्मा का ढूंढता है। आप बताओ जरा, आप एक बार ये आपको करके दिखाएगा भाई, जब इसकी मम्मा छुप जाते हैं ना तो ये कैसे मम्मा को ढूंढता है। बता जरा कैसे गेम खेलते हो मम्मा के साथ। आ जाओ, आप आ ही जाओ और बताओ जरा, इन सबको बताओ आप कैसे करते हो। मैं छुपूंगा फिर, मैं चूचा मैं खेलूंगा आपके साथ। मौर्य बता रहा है आपको, बताओ जल्दी बताओ। हाँ, कैसे? ये देखो, ये बता रहा है आपको कि कैसे छुपता हूँ, कैसे कैसे। अच्छा, मैं छुप रहा हूँ, ठीक है मैं छुप रहा हूँ। नहीं, ऐसे देखना नहीं मौरी। हाँ, मैं छुप रहा हूँ, थोड़ा सा देखना जरा उसको। मौरी आ जा, मैं कहाँ हूँ? अच्छा, ये बोल रहा है चूचा की, ऐसे चूचा खेलते हैं, मम्मा के साथ खेलता है अपनी। ये तो उसकी मम्मा ने इसकी, तो मम्मा ने इसकी गेम बिगाड़ी हुई पूरी। तो बड़ी जैसे मेरे को बोल रहा है पापा चूचा चूचा। मैंने कहा यार ये बोल क्या रहा है, चूचा तो उसको नहीं बोलते यार। चूचा एक फुकरे पिक्चर का भाई, एक एक्टर था, उनका नाम भूल गया मैं, वरुण वरुण नाम है, क्या नाम है, चूचा। तो ये चूचा चूचा कर रहा है, मेरे बड़ी देर से पता नहीं बनता क्या कर रहा है यार। आप करो ब्लॉगिंग, लो आप ही करो, मैं नहीं कर रहा ब्लॉगिंग यार। मौरी, मैं नहीं कर रहा ब्लॉगिंग, आप बात करो उनसे। आप ब्लॉगिंग करो, लो आप ब्लॉगिंग करो, करो आप ब्लॉगिंग। हाँ, ऐसे ब्लॉगिंग करो आप ब्लॉगिंग करो। अच्छा, आप बोलना क्या चाहते हो, उनको बोलना चाहते हैं कुछ? आप ही बोलो कि चूचा कैसे कैसे खेलते हैं, बताओ जरा। मम्मा खेलते हैं? तो ये बता रहा मम्मा खेलते हैं। तो मम्मा आप क्या करते हो जब मम्मा आते, तो क्या करते हो आप, जल्दी बता, जल्दी से बता। तो बता तो दे जल्दी से, क्या करते हो, क्या करते हो? दे, इसको पता ही नहीं है दे। तो अभी के भाई 1 बजा है और हम लोग जो है अभी राजमा चावल हमने बनाए हैं और वो गई भी है, और मैं और मौर्य जो है आराम से बैठ के खाएंगे। हम तीनों एक साथ कोशिश करेंगे एक साथ बैठ के खाने, क्योंकि मुझे बाइक की सर्विस करानी है। तो मुझे अपनी बुलेट की सर्विस करानी है, काफ़ी टाइम हो गया बुलेट को सर्विस कराए हुए, और बोल रहे लैप्स होने वाली है आपकी, जो तीसरी सर्विस है बुलेट की वो लैप्स हो जाएगी। अगर आपने 14 नवंबर से पहले पहले अगर आपने सर्विस नहीं कराई तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मुझे आज कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मैनेज करूंगा, या तो उसको मैनेज ऐसे करूंगा, या तो मैं अपनी असिस्टेंट लॉ के पास छोड़ूंगा। आप सबको पता है जिनका नाम मैंने मैजरू रखा है, और दीदी ही मेरे हर वक्त जो है काम आते हैं। अगर मैं टूर में जाता हूँ या कहीं भी मैं जाता हूँ, ज़्यादातर मैं टूर में निकलूंगा या वर्क फ्रॉम होम जैसा भी होगा, तो मैं जहीं कहीं भी जाऊँगा तो मैं असिस्टेंट लॉ को बुलाऊंगा, या फिर मेरा वो हलवाई प्रीत, वो भी उसको अच्छी तरह हैंडल कर लेगा। कुछ भी जाते आते वहाँ छोड़ के जाऊंगा, वहाँ वही निन्नी भी कर लेगा। तो अभी देखते हैं क्या क्या बनता है क्या नहीं। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट की, सॉरी लंच की तैयारी हो रही है, और जो सीटी जो है ना बनने को तैयार हो रही है। देखो बनने को गया, सीटियाँ 3 लग चुकी है, बना ज़्यादा कच्चे ना रह जाए, इसे सोच रहा हूँ कि तीसरी एक और जो है मैं लगा ही देता हूँ। तो उसको उसकी मासी के पास छोड़ूंगा और वो जाएगी ऑफिस, और मैं जाऊँगा बुलेट की सर्विस कराने, जो तीसरी सर्विस है, नहीं तो वो लैब्स हो जाएगी। वो बोल रहे हैं कि आपकी जो 14 नवंबर से पहले पहले करा लो, कि आपकी जो सर्विस है ना वो बुलेट की, मेरी सर्विस नहीं बुलेट की, वो हो जाएगी। तो मैं निकलता हूँ अभी थोड़ी देर में और मिलता हूँ आपको वहीं पर ही। लो जी, हम लोग खा रहे हैं खाना, मैं और मौर्य। ये बनाया राजमा बनाया हमने, मैंने बनाया, और पता नहीं बढ़िया राजमा है, दूसरे वाले राजमा तो मेरे को लग नहीं। बेटा आराम से खा, मुंह फूक जाएगा मौरी। तो मैं थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए मैं इसमें हरी मिर्च डाल देता हूँ। सास बंडे ने मिर्च का अचार बनाया था, और मिर्च का अचार बहुत अच्छा बनाते हैं, मैंने पहले आपको भी बोला है और रेसिपी मैं बता भी चुका हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रेसिपी बनाने का वही तरीका है। फिलहाल मौरे खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, और मैंने जो है 1 बजे को खाना तैयार कर दिया, क्योंकि मुझे जाना है एजेंसी और वो अभी आई नहीं है। और ये बच्चा जो है ना, इसने अपने मामा, मम्मा का नाम नहीं, ये किसका नाम लेता है, दादा का और नाना का नाम लेते हो, नाना और दादा का नाम लेते हो ना आप, क्यों, किसने सिखाया आपको? नाना, नहीं, नाना का नाम किसने सिखाया आपको? दादा, अरे मेरे भाई, नाना का नाम लेना किसने सिखाया आपको? नहीं, पहले बताओ किसने सिखाया है मोरी, पहले बताओ किसने सिखाया आप, आराम आराम से खाओ। इसको उसकी मम्मा ने ना नाना का नाम बताया मोरी। नाना का नाम क्या है? जीत। देखो जीत।
किसने बताया आपको कि आपके नाना का नाम जीत है? किस जीत नहीं किसने बताया आपको ये? अरे मेरे भाई जीत तो ठीक है, नाम किसने बताया? पहले जीत नाम बताओ आपको, आपको किसने सिखाया कि नाना का नाम लेना है? किसने सिखाया आपको? है मौरी, मौरी आपको नाना का नाम लेना किसने सिखाया है? मम्मा ओए मम्मा पकड़ी गई आज, मम्मा पकड़ी गई, पकड़ी गई। है मौरी किसने सिखाया आपको नाम लेना? मम्मा ने, मम्मा ने क्या बोला कि नानू का नाम लो? क्या नाम है नानू का? जीत। भाई बोलना तो सीख ले पहले, मुंह में रोटी भरी हुई है, इसने कहाँ से सीखेगा। और दादा का नाम किसने बताया? वो भी मम्मा ने बताया ना आपको। दादा का नाम क्या है? नाम या राम? ये दादा का नाम भी लेता है, नाना का नाम भी लेता है। तो फिलहाल अभी हम लोग लंच कर लेते हैं, जैसी हुआ है कि मैं ब्लॉग बनाना शुरू करूंगा। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से निकलना है भाई, बुलेट की सर्विस करानी है, फिर मैं मिलता हूँ आपको वहीं जाने के बाद, यानी सर्विस सेंटर। तो जी दोस्तों टाइम हो चुका है 8:30-9 बज चुके हैं और खाना खाने की तैयारी है, ये लोग आ चुके हैं। दिन का मैं आपको जो रूटीन था ना वो बता नहीं पाया क्योंकि बिजी इतना हो गया, क्योंकि मौर्य को उसकी मासी के पास छोड़ना था, मुझे अपनी बुलेट की जिसको मैं लाटो बोलता हूँ, ठीक है, तो यानी उसको बोलता हूँ मैं, क्या बोलता हूँ उसको मैं, मौर्य का भाई, मौर्य के भाई की वॉशिंग करानी थी मुझे बुलेट की, तो इस करके तो मुझे जाना पड़ा। और मैंने उसके मासी का छोड़ा, बैटरी बिल्कुल कम थी, ये भी ऑफिस गई हुई थी, फिर मेरे को सोलर के 2 दिन काम थे वो मुझे निपटा रहे थे, और इन भाई साहब को मैंने इसकी मासी के बाद छोड़ा। तो दिन में आपको पता जो मैंने ब्लॉग बनाया, ठीक है, नाना का नाम लेने लग गया है, दादा का नाम लेने लग गया है, लेकिन अभी जो है रम, क्या बोलते हैं, रम आर आर रम की याद आ रही है, रम तो एन लगाता है ये, और जैसे राम है ना तो वहाँ ये एन लगा रहा है यानी नाम बोल रहा है। और जीत जो मेरे ससुर जी है, आप बोल रहे हो भाई सीधा डायरेक्ट नाम है, मिस्टर जीत, सॉरी पापा मैं आपको मिस्टर जीत बोलना चाहूँगा, तो जो जीत जो है वो ईच लगा, क्या लगा रहा है ये, दीत दीत लगा रहा है, दीत। और इसको जो नाम जो है ना मैंने नहीं सिखाया, वो इसकी मम्मी ने सिखाया, और मैं वही आपसे डिस्कशन करना चाह रहा था कि ऐसा ना सोचूं कि मैं इसको ऐसे काम सिखा रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले एलिगेशन मेरे ऊपर लगते हैं कि भाई ये नाम सिखा रहा है, तो मैं नाम नहीं सिखा रहा हूँ, नाम ये सिखा रही है। नाम होना पता है, जरूरी है ना। हाँ चल ठीक है, जरूरी है, मैं मानता हूँ। मौरी क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हो? हाँ। नाना का नाम क्या है? दे। क्या दे। इसको नाना का नाम याद है, क्या नाम है नाना का? दीत। जीत। हाँ। पापा देख लो आपके नाम ले रहा है मिस्टर जीत, मैं मिस्टर जीत लगा रहा हूँ, लेकिन अभी जीत ही लगा सकता है। और जीत जीत राम चौधरी। अच्छा ये बताओ, और दादा का नाम, दादा का नाम क्या है? वो तेरी, इसको नाम याद हो गया भाई, मैं सोच रहा था कि इसको बताना पड़ता है, लेकिन इसको नाम याद हो गया, अब एक ही फटके से जो है नाम ले रहा है। तो भैया डिनर कर लेते हैं, आज मैंने अपनी बाइक के लिए जो है न्यू कवर लिया, और जो सर्विस थी ना वो 5,000 के पास, मतलब उसके बाद सर्विस करानी थी, जो मैं 2 महीने मेरी जो बुलेट है वो गांव में खड़ी थी, और उसके 500 किलोमीटर मैंने एक्स्ट्रा चला दी, तो अब जो है मैं आज सर्विस करा के आया हूँ, और पुलिस लाइन में मैंने उसको लगा दिया, वहाँ कवर भी उसके लिए नया लेके आया हूँ, 1,000 रुपये का स्पेशली कवर लेके आया हूँ, क्योंकि यार आफ्टरऑल जब इतनी मेहनत से कोई चीज़ लेनी हो और उसकी केयरिंग ना हो ना, वहाँ दुख होता है। तो 2,20,000 रुपये की लाटो है मेरी, तो भैया केयरिंग तो बनता ही है। कई जगह बोलते हैं कि लाड़ी 9 दिन और गाड़ी क्या, ऐसा नहीं है, अरे बोलते कुछ यार, नहीं 9 दिन पुरानी 100 दिन, क्या बोलते, नहीं 9 दिन, हाँ नहीं 9 दिन पुरानी 100 दिन। तो ये है आज का ब्लॉग, और कल हम लोग जा रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं वो भी आपको पता लग जाएगा, जहां हम जा रहे हैं ना उनको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, और मैं बहुत व्यू बटोरता हूँ उनके उसमें, तो उनको जो है गिफ्ट भी मुझे देना है, आफ्टरऑल देना पड़ेगा, और आप लोग उनको इतना प्यार दे रहे हो, इतनी इज्जत दे रहे हो, थैंक यू सो मच। और कल मैं वहाँ जा रहा हूँ, कल हम लोग वहाँ निकलेंगे, कल का ब्लॉग बनेगा, ये है आज का ब्लॉग है ये, यानी 10 नवंबर 2021 का ये ब्लॉग है, तो आज मैंने जो शूट किया है कल आपको सुबह मॉर्निंग में अपलोड मिल जाएगी, कल मैं वो फुल ब्लॉग शूट करूँगा, मतलब एक दिन का जो स्पेशल है वो देता हूँ मैं। तो फिलहाल अभी इसकी मम्मी लेके आ गए, और मैं शेजवान चटनी, क्योंकि आजकल जो है ना इतना गंदा खाना बना रही हूँ मैं, बाइक और मैं सच मजाक नहीं कर रहा हूँ, खाना बना रही है ये, लेकिन ये जो खाना बना रही है ना भाई, इसके मैं खाने से इतना परेशान हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ना जब तक सब्जी में देगी मिर्च लाल लाल ना जिगना है ना, दिखना चाहिए मेरे को, तभी मज़ा आता है, तो खाना अच्छा बनाती है, लेकिन आज 1.5 महीना हो गया ये बंदी जो है देगी मिर्च लाल मिर्च नहीं ला पा रही है ना, और मैं खुद भी भूल जाता हूँ, ठीक है नहीं ला पा रहा हूँ,
तो आजकल हल्दी वाला खाना खा रहे हैं, ऐसा है पौष्टिक आहार ले रहे हैं हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिलहाल अभी के लिए यही है और हम लोग मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जल्दी आपको कल के ब्लॉग में मिलूंगा, कहाँ मिलूंगा ये आपको पता लग ही जाएगा। कल मुझे पता है जब मैं ऑन द वे होऊंगा तब आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो मिलता है आपको कल के ब्लॉग में, और फिलहाल हम लोग कर लेते हैं डिनर, और कल जहाँ भी जा रहे हैं सारा आपको पता लगेगा। थैंक यू सो मच, और बी प्लीज़ टेक केयर, बच्चों का ध्यान रखो। लास्ट में ही मैसेज देना चाहूँगा कि जंगलों में जो जैसी आपको बताया जैसे ऐसे ये जैसे हादसे हो रहे हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चों का अपना ध्यान, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखो, और ज़रूरी है क्योंकि अब सर्दी होगी है ना, कि अब जानवर बाहर निकलेंगे तो ऑब्वियसली बात है, जैसे उत्तराखंड जो भी ऐसा वाइल्ड एरिया जंगली वाला इलाका है जहाँ लोग मतलब जहाँ इनफैक्ट मैं ये भी बोलना चाहूँगा कहीं लोग ऐसी जगह भी रहते हैं जहाँ लाइट नहीं है, वो बैटरी से काम चला रहे हैं, ऐसे ऐसे है कहीं, मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा, ऐसे हिमाचल में है जो बैटरी से काम चला रहे। प्लीज़ भाई अपने बच्चों का ध्यान रखिए, और जो ये जो हुआ है ना वो अभी भी वो दिमाग में चला हुआ है। तो मिलता हूँ आपको कल के ब्लॉग में, थैंक यू सो मच और लव यू एंड टेक केयर।